जो मेरा थर्सडे तो मैं भूल जाती कभी कभी, मैंने इसलिए बोला मैं कभी मेंशन करती हूँ कभी नहीं करती। तो अभी बज रहा है दोपहर का 1:30, हमारा नाश्ता पानी हो गया, कबाब पराठा खाए थे, कल नहीं खाए थे तो आज खा लिए, और उसका शूट नहीं करी क्योंकि आज इनको जल्दी से जाना था ऑफिस के काम से उमरेड, तो जल्दी जल्दी थी इसलिए गड़बड़ में मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। और अभी बना रही हूँ लंच, तो हम ही हैं, पता नहीं लंच हम लोग भी करते, ये नहीं रहते ना तो हम लोग लंच भी स्किप करते, इसको लगेगी भूख, ये तो कैमरा पकड़ के खड़ा है ना मेरा लड़का मोहम्मद अयान, इसको लगती है, माशाल्लाह लगना भी चाहिए, हमको नहीं लगती, वो हमारी प्रॉब्लम है, टाइम टाइम पे खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनाऊंगी वो तो नहीं मालूम, मगर मैं अभी कर रही हूँ मछली मैरिनेट, ये मैंने अम्मी से तलबिया बोली थी पिछली बार हमने लाए थे, तो पिछली बार रोग लाए थे तो अम्मी बोलते क्रिस्पी कर क्रिस्पी कर, मैंने तो क्रिस्पी खाने ना तो तलबिया लाना, तो वो थोड़ी मीठी भी होती क्योंकि तालाब की होती है ना, तो ये मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, जब बोलेंगे अम्मी तब निकाल के हम फ्राई करेंगे, तो अभी भी कर सकते रात में कर सकते, और मैंने इसको कटवाई नहीं, एक बार और देख लो आप लोग, मैंने सैगी सैगी बुलवाई हूँ, देख रहे हैं आप लोग, और अच्छी खासी है, तगड़ी माशाल्लाह तगड़ी मछली है। तो इन लोग है ना बाद में पीस के लिए बड़े लड़ते हैं, मैं हमको पेट का चाहिए हिस्सा, और मुझे मुंडी और पुच्छी पसंद है, मेरा कुछ नहीं है मसला, मैं तो जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ, पर है ना ये लोग लड़ते हैं अम्मी अयान और आमिना, इसके पापा तो खाते ही नहीं, उनका मसला ही नहीं है, तो इन लोगों को है ना हमने ये नहीं खाया हमको ये नहीं मिला, खाते सब है, मैं सबको बराबरी से देती हूँ, मैंने मसले हल कर दी। अब मैं बोली भैया सहेगी सहेगी में से जिसको जहां से लग रहा है एक साथ बैठो और एक साथ खाओ, है ना, किसी को अलग अलग नहीं देनी, तो ये रहेगा। तो मैं इसको मैरिनेट कर रही थी तो मैंने बोली चलो शूट कर लेती हूँ, मैरिनेट में कुछ खास है नहीं, आई आपको दिखाती हूँ। वैसे इनके मसाले आपको बाहर रेडीमेड मिल जाते हैं मछली फ्राई के, मछली के सालन के, मगर हम लोग घर में ही करते हैं, खाली हल्दी नमक से भी फ्राई करके खाती हूँ मैं, मेरे को तो वैसे भी बहुत पसंद आती है, मगर ये बच्चों को थोड़ा खिलाने के चक्कर में मसाले लगवाना पड़ता है। तो ये है हल्दी मिर्ची धनिया और अदरक लहसुन और नमक, और उस पर मैं ऐड कर रही हूँ नींबू, जैसे कि आपने भी देखा कि मैं निचोड़ रही हूँ, ठीक है, ये नींबू है, और आपको खट्टा ज्यादा चाहिए तो ज्यादा नींबू डालिएगा, मैंने वो एक मछली वहां रखी है उसमें एक डाली हूँ और इसमें दो डाली हूँ, नींबू काफी खट्टा है वैसे टेंशन नहीं है, तो ये भी मसालों के साथ ऐड होगा, तो ये हम मैरिनेट करके रख देंगे, जब मम्मी बोलेंगे जब हम फ्राई कर लेंगे तब हम खाएंगे, तब आपको दिखाएंगे, फ्राई करने के टाइम भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, याद रहा तो। नहीं हम ही हैं व्यूअर्स है, नींबू कम से कम 3 से 4। तो फ्रेंड्स हो गई दोपहर, बना है खिचड़ी, मसूर की दाल की खिचड़ी और कद्दू का सब्जी, पापड़ है साथ में, और आसिया खाला लाए हैं लौकी की सब्जी, आसिया खाला को मैंने बुलाया था मछली खाने। तो अब है ये रात का वक्त, दिन में हमने बहुत मस्ती करे और रात हो गई 9 बज गया, तो हम लोग मछली फ्राई कर रहे हैं, आसिया खाला को घर भी जाना है, तो ये पहली मछली फ्राई हो गई है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही खट्टी और बहुत ही टेस्टी बनी थी, मैंने जैसे बताया आपको आप लोग भी बनाइएगा, और मैंने 5-6 घंटा मैरिनेट किया था तो आप लोग भी करिएगा, वैसे तो आप 1 घंटा मैरिनेट करके भी खा सकते हैं। और इसके साथ हमने खाई थी रोटी और कद्दू की सब्ज़ी जो दोपहर में बची थी, और ये आ गए इसके पापा आइसक्रीम लेके, आसिया खाला अपनी आइसक्रीम लेके घर जा चुके थे और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स आइसक्रीम खाने। तो आप लोग खा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, आ जाइए आप लोग भी खा लो, नहीं खा लिए लाके दे दिया हमने, एक आइसक्रीम पूरी खा ली है, हां इन लोग ने एक डब्बा खा चुके हैं, और ये अम्मी और मेरा किसका थे, हां अमान का है, आज का दिन बहुत अच्छा था, आसिया खाला भी थे, दिन भर ये उमरेड गए थे, हमने आसिया खाला बुलाए थे, हम लोग ने करे मछली पार्टी, बहुत मजा आया, बड़ी बड़ी मछलियाँ जो मैंने आपको बताई थी है ना, बहुत टेस्टी था, कद्दू की सब्जी भी पसंद है, हाँ कद्दू का जो हमने सब्जी बनाते जो मुझे भी बहुत पसंद है वो भी खाए हम लोग ने, रोटी
और इनके लिए बैगन आलू की सब्जी बनाई हूँ जल्दी से, तो ये खा नहीं रहे, बोलते मेरा पेट भर गया। कितनी इजी मछली खाए, इतनी इजी मछली नहीं खाते। तो आप लोग भी दी ना, तो आप लोग भी मेरी मछली की रेसिपी जो भी फूटी फूटी आपको बताई होंगे, एक्सप्लेन तो पूरे डिटेल में नहीं कर रही हूँ, मगर जो भी बताई ऐसे बना के देखना। और मैंने ना 3 घंटे 5 घंटे मैरिनेट की थी, तो अंदर तक इतना अच्छा फ्लेवर उसका आया था, बहुत मजा आया था। क्या यार कैसी लगी थी? एक नंबर। आज पहली बार यार ने मतलब छोड़ा नहीं मछली को, खाया नहीं तो हमेशा छोड़ देता है कि कैसी लग रही हो कैसी लग रही। और जो मछली हमने मंगाया था ना वो मीठी रहती है तलबिया, और जो बाकी समुद्री मछली रहती है वो थोड़ी सी तीखी रहती है, तो उसमें भी डिफरेंस रहता है। तो कोई पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, ठीक है। तो चलिए यही ब्लॉग में आज कहीं एंड करती हूँ, बज रहा 11:30। अब मिलूंगी आपको कल नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ बाहर, गाने की आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो इनके फ़ोन की है, और कल इनका बर्थडे है। अभी 11:30 बज रहा है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं 12 बजने का। 12 बजेगा तो इनको विश करेंगे। तो केक का इंतज़ाम करने गए हैं बच्चे, काफ़ी लेट हो गया, मगर देखते हैं आ जाए तो अच्छी बात है। अभी तो सबका फ़ोन आना चालू होगा, सबका बोले तो नरगिस का और मैं खुद। चलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना के इनके लिए डाल देती हूँ स्टेटस पे, मिलती हूँ। वो केक आएगा जब। प्यारा वाला बच्चा, मेरे डुंगू वाला बच्चा। ये वाला रूम मेरे को ना पहले से तैयार करके रखना था इनके लिए, पर आज मैं बिजी थी मछली में और आसिया खाला में, वरना मैं इसको तैयार करती थी। अब भी मैंने लाइट बंद किया, अब क्या कर सकते हैं, एनिवर्सरी प्लान करेंगे एनिवर्सरी। अभी फिलहाल चलते हैं, आ जाओ मेरे बच्चे। बज रहा है 12, और यहाँ है मेरे बर्थडे बॉय, और जिनको मैंने विश कर दिया है हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। थक गए, उनको तेल डालना है सर में। तो देखती हूँ, बच्चे भी बाहर घूम रहे हैं, यहाँ कॉलोनी है, गार्ड है, तो सब बच्चे बाहर घूम रहे हैं। बच्चे से मतलब कि अम्बू तो सो चुकी है, बहुत देर हो गई, 1.5 घंटा हो गया। अयान अमान दोनों घूम रहे हैं, अजमान रुका है ना, तो दोनों घूम रहे हैं बाहर। देखते क्या है। चलो उठो। हाँ तो चलो गाना गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन सा केक आया है? ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, शाडू है। हैप्पी बर्थडे, ठीक है सर, ऐसे रखो तो वो आग नहीं फैलेगी इसकी। तो ये है मेरे हस्बैंड जी के बर्थडे केक। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। कितने बार बोलूं? गॉड ब्लेस यू। अब क्या करूं, मेरे को शॉर्ट्स बनाने के लिए था ना। मम्मा, सोना बाबा भी रो रहा है, बाबू ये दोनों बच्चे और मैं हूँ इनके साथ। चलो हम लोग केक काट लेते। नो, तुम्हारा केक क्या था, तुम्हें काटेंगे। अमान का बर्थडे कब है? गया नेक्स्ट मंथ है, देखे गया। अच्छा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडी। अम्मी को रोक रहे थे मगर अम्मी रुके नहीं, उनको लग रहा था पकड़ो ना, हाथ से रखो, ऐसे नहीं। आओ मामा, एक साथ। हाँ, जॉइंट फैमिली। मम्मी आ जाओ, आप भी खा लो। अपने आप का वीडियो नहीं बना पाते। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? ये आईफोन। चलो बच्चों को दे दो जल्दी। चलो बाकी का व्लॉग कल।
कल सुबह से कंटिन्यू करेंगे। अभी अमीना को पता नहीं है, उसके उसको छोड़ के हम लोगों ने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह मिलूंगी, गुड नाइट।